हेलो गाइस, हमारे चैनल खबर आउट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से, जो काव्या और डिम्पी से कहती है कि पता है, हम औरतें अपनी कहानी किसी और को लिखने को दे देते हैं, इसी वजह से हम अपनी कहानी में भी हीरो नहीं बन पाते, उल्टा साइड रोल में रह जाते हैं। डिम्पी कहती है कि हम कह कर तो थक गए, लेकिन कोई नहीं समझा। काव्या कहती है, मुझे पत्नी का दर्जा मिला, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। माना मुझसे गलती हुई, लेकिन इसकी सजा मेरी बेटी को क्यों मिल रही? पहले मुझे लगा एक दिन वनराज समझेगा, लेकिन अब ये नामुमकिन लगता है। अनुपमा समझाती है कि माँ की ममता की हद नहीं होती है, लेकिन बर्दाश्त की हद नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन अगर लगता है नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो डिम्पी। जो मैंने काव्या से कहा वही तुझे भी कहती हूँ, तू भी वही गलती कर रही है जो मैंने की। परिवार के लिए सब करो, लेकिन खुद को मत भूल जाओ। जो मिस्टर शाह कर रहे हैं, अंश के लिए कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो उनका प्यार और फर्ज है, तेरे मन में समर्थ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तेरी लाइफ में तीतू नहीं आ सकता। अनुपमा पूछती है कि क्या तू तीतू से प्यार करती है? डिम्पी हाँ कहती है। इसके बाद अनुपमा पूछती है कि क्या तू उससे शादी करना चाहती है? तो डिम्पी हाँ कहती है, लेकिन फिर कहती है कि पापा नहीं मानेंगे। वही आध्या श्रुति को पाखी के बारे में बताती है। वह कहती है कि पाखी बहुत खराब है, सब उसकी हरकतों से परेशान थे, लेकिन मम्मी ने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सगी बेटी है। न कभी कभी मुझे लगता है मम्मी ने पापा से भी पैसों के लिए ही शादी की है, क्योंकि पाखी उनका ही तो खून है, तो उनकी जैसी ही होगी। इस पर श्रुति तुरंत आध्या को डांट देती है और कहती है कि आध्या, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि चाहे तुम कितनी ही गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन अपनी तमीज नहीं भूलोगी। है तो वो तुम्हारी माँ ही न? तभी आध्या कहती है कि सगी तो नहीं है। श्रुति कहती है कि सगी तो मैं भी नहीं हूँ, तो क्या तुम मेरे बारे में भी ऐसे ही बोलोगी? श्रुति कहती है कि जो लोग पैसों के लिए शादी करते हैं वो पैसे लेकर जाते हैं, क्या अनुपमा कोई पैसे लेकर गई? अनुपमा और अनुज ने प्यार के लिए शादी की। आध्या गुस्सा करती है और कहती है कि आप उनका साइड ले रही हो, आपको पता नहीं वो कब अपने मोटे मोटे आंसू दिखाकर आपसे पापा को छीन लेगी, पता ही चलेगा। अनुज सारी बात सुन लेता है। पाखी अमेरिका में एक शख्स के करीब दिखती है। अनुपमा दोनों को साथ देख लेती है। अनुपमा पाखी को बता भी देती है कि उसने दोनों को साथ देखा था। अनुज मिला बाबूजी से। अनुज आध्या को लेकर गाड़ी में जा रहा होता है कि तभी अंश उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। अनुज जैसे ही बाहर आता है तो बाबूजी काव्या और डिम्पी को देखकर खुश हो जाता है। वहीं आध्या उन्हें देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और गाड़ी के अंदर से हॉर्न बजाती है और उसे बार बार वापस बुलाती है। सभी आध्या को देखकर हैरान हो जाते हैं